हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल उद्गम पाठशाला। आई एम प्रतिभा नागपाल और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है क्लास 10 हिस्ट्री का एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है, क्या इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज सिमिलर है या फिर कोई डिफरेंस है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इसका लोगों के लाइफस्टाइल पे क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो लोगों की लाइफस्टाइल पे कोई ना कोई असर पड़ता है। साथ ही साथ हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इसका कॉलोनियस पे क्या असर पड़ा, ब्रिटिशर्स ने ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई कि वो अपना डायरेक्ट कंट्रोल वीवर्स पे कर सके और अपने जो गुड्स है उसको अपने जो कॉलोनीज उन्होंने बनाई है उसमें सेल आउट कर सके। सो विदाउट बीइंग डिले लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो इस चैप्टर में पहले ही क्वेश्चन दिया हुआ है, डू द इंडस्ट्रियल गुड्स ओनली रिलेटेड टू फैक्ट्रीज, क्या जो इंडस्ट्रियल गुड्स है वो सिर्फ फैक्ट्रीज से रिलेटेड है। तो इसका आंसर हम आगे देखेंगे। ये जो टर्म दी गई है ये है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि एक ऐसा फेज, एक ऐसा टाइम जब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे जो है प्रोडक्शन हो रहा हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा हो इंटरनेशनल मार्केट पे, ठीक है, और जो कि फैक्ट्रीज पे बेस्ड ना हो, यानी कि किसी भी तरह की मशीन्स का उस पे कोई भी यूज ना हो रहा हो। साथ ही साथ ये एक पार्ट हो, यानी कि एक हिस्सा हो कमर्शियल नेटवर्क का, यानी कि जो है अलग अलग जगह पर इसका एक्सपोर्ट हो रहा हो, इसको सेल आउट कर रहे हो लोग, लेकिन इसमें फैक्ट्रीज का कोई भी रोल ना हो, तो इस टर्म को हम बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। फैक्ट्रीज कैसे कैसे सेटअप हुई तो यहाँ पे बात की गई है इंग्लैंड की। जो इंग्लैंड में फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप हुई थी वो हुई थी 1730s तक। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वाज कॉटन, यानी कि जो पहली इंडस्ट्री सेटअप हुई उसका जो सिंबल था वो कॉटन था, यानी कि वो कॉटन की इंडस्ट्री थी। As inventions increase, so the production was also increased. जैसे जैसे inventions होते गए वैसे वैसे जो production है वो भी बढ़ता गया। रिचर्ड ऑकराइट, इन्होंने पहली जो है कॉटन मिल को क्रिएट किया था। तो इसका ये फायदा था कि अब जितनी भी प्रोसेस हो रही थी वो एक रूफ के अंदर हो रही थी, और उस टाइम पे जब ये कॉटन मिल बनी जो रिचर्ड ऑकराइट ने बनाया था तो इसमें जो है केयरफुल सुपरविजन भी हो रहा था। लास्ट में इसमें दिया हुआ है कि एज इंडस्ट्रीज वर मोर कंस्ट्रक्टिंग द ओनर फॉरगेट बैलेंसिंग द प्रोडक्शन स्टिल कंटिन्यू, यानी कि क्योंकि इंडस्ट्रीज तो बहुत ज्यादा स्टेब्लिश हो रही थी और वो प्रोडक्शन भी कर रही थी, लेकिन जो वहाँ के ऑनर्स थे ये भूल गए थे कि अभी भी गलियों में प्रोडक्शन जारी है। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, यानी कि जब इंडस्ट्रीज आई तो उसकी ग्रोथ कैसी थी, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। फर्स्ट दिया हुआ है पॉइंट, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड मेटल्स। कॉटन वाज इंक्रीजिंग सेक्टर इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अप टू 1840s, यानी कि ब्रिटेन में जितनी भी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी वो मेनली कॉटन और मेटल्स की हो रही थी, और इसमें भी कॉटन जो है सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग सेक्टर था 1840s तक। इसमें आयरन और स्टील का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे रेलवेज का भी एक्सपेंशन हो रहा था इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, ऐसे कौन कौन से रीजन थे जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी बन रही थी उसका एडॉप्टेशन बहुत ही धीरे हो रहा था, यानी कि जो लोग थे वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा एडॉप्ट नहीं कर रहे थे। तो इसके हम यहाँ पे 3 रीजन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट रीजन दिया हुआ है, द न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, यानी कि जितनी भी मशीन बन रही थी वो बहुत ज्यादा कॉस्टली थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, वंस मशीन्स वर ब्रोकन डाउन सो रिपेयरिंग वाज कॉस्टली, यानी कि एक बार अगर मशीन में कुछ दिक्कत आ गई, कोई भी ब्रोकन हो गया उसका कोई भी पार्ट, तो जो रिपेयरिंग थी वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, द मशीन्स वर नॉट टू मच इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स क्लेम, यानी कि मशीन्स इतनी भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी जितना कि उसके इन्वेंटर्स कह रहे थे कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा कॉस्ट कम आएगी। तो ज्यादा इफेक्टिव ना होने की वजह से टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रहा था उसमें जो बहुत ही ज्यादा स्लो ग्रोथ देखने को हमें मिली। नेक्स्ट है, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, ब्रिटेन में कोई भी शॉर्टेज नहीं थी लेबर्स की, इसलिए वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो मशीन्स को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहे थे और ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाह रहे थे, जिसमें जैसे जो मशीन्स है यानी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ना यूज करके लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक है वो यूज कर रहे थे, क्योंकि वहां का जो काम था वो सीजनल काम था।
लास्ट पॉइंट एक ये भी है इसके लिए, हैंड लेबल प्रोडक्ट्स केम टू सिंबलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास, दे वर बेटर फिनिश, इंडिविजुअली प्रोड्यूस एंड केयरफुली डिजाइन। यानी कि जो हैंड लेबर जो प्रोडक्ट्स होते थे वो क्या थे, उसमें बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट था और क्लास था, यानी कि वो बहुत ज्यादा फिनिश तरीके से, बहुत ज्यादा क्लीन तरीके से प्रोड्यूस किए जा रहे थे, बेटर फिनिश थे, इंडिविजुअली प्रोड्यूस हो रहे थे और अच्छे से उसमें डिजाइन हो रहे थे। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ द वर्कर्स, यानी कि जब लेबर्स, जो लेबर्स और जो वर्कर्स थे वो जब अर्बन एरिया में आए तो उन लोगों की जो लाइफ है वो कैसे इफेक्ट हुई। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, लेबर्स वर अवेलेबल इन अबंडेंस एंड मार्केट व्हिच अफेक्ट द लाइव्स ऑफ द वर्कर्स, यानी कि जो लेबर्स थे वो बहुत ज्यादा तादाद में मार्केट में अवेलेबल थे जिसकी वजह से उनकी लाइफ पे इसका बहुत बुरा असर पड़ा। There was a difficult life as there were crowded cities, problem of sanitation, sky filled with smoke. यानी कि वहाँ की जो life थी बहुत ज़्यादा difficult थी, क्यों? क्योंकि वो बहुत crowded place था, बहुत crowded city थी, बहुत ज़्यादा जनसंख्या थी वहाँ पे। Problem of sanitation, यानी कि साफ सफाई की जो थी एक वो भी problem थी, वहाँ साफ सफाई ज़्यादा नहीं थी। Sky filled with smoke, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा industry set up हो रही थी, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा smoke भी था। After the busy season was over, worker become jobless. यानी कि जब भी जो busy season था, यानी कि जब लोगों को काम मिल रहा था, लेकिन वो क्योंकि एक seasonal work था, तो जब season खत्म हो जाता था, तो लोग वहाँ पे बेरोजगार हो जाते थे। तो वही इस point में दिया हुआ है कि जब भी season खत्म हुआ, तो वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो workers थे, वो jobless हो जाते थे, यानी कि unemployed हो जाते थे। In early 19th century, wages increased, but the price of goods were also increased. 19th century में वेजेस तो इंक्रीज हुए, यानी कि उनको जो वेजेस मिल रहे थे, जो पैसे मिल रहे थे काम करने के, वो तो इंक्रीज हुए, लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ के गुड्स थे उसके भी जो पैसे थे, उसके भी जो प्राइस थे, वो भी इंक्रीज हो गए, क्योंकि वहाँ पे एक फियर था, एक डर था अनएम्प्लॉयमेंट का। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, यानी कि जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे थे, तो इसलिए जो वहाँ की वुमेन थी उन्होंने मशीन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी लाइफ थी वहाँ के वर्कर्स की। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉलोनीज में कैसे हुआ, क्या क्या इसका प्रभाव पड़ा। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्री, सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटिंग द इंटरनेशनल मार्केट टेक्सटाइल, यानी कि मशीन आने से पहले भी हमारा देश यानी इंडिया सिल्क और कॉटन के जो गुड्स होते थे उसका जितना भी प्रोडक्शन होता रहा, उसने जो पूरे इंटरनेशनल मार्केट थी उसको डोमिनेट कर रखा था, यानी कि उस पर अपना पूरा अधिपत्य स्थापित कर रखा था, ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर किया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, आफ्टर मशीन डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन द प्रोडक्शन शिफ्टेड फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, यानी कि जैसे जैसे मशीन का डेवलपमेंट हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो जो प्रोडक्शन था वो इंडिया से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, ब्रिटेन में चला गया। Now Britain was trying to protect its resources by following this. अब जब ब्रिटेन था वो अपने resources जो है protect करने लगा, यानी कि अपनी country को वो कैसे protect कर रहा था। First देखेंगे raise import duties, यानी कि ब्रिटेन ने import duties बढ़ा दी। अब अगर कोई भी वहां पर import करना चाह रहा है किसी भी तरह का goods, तो उनको ज्यादा से ज्यादा tax देना पड़ेगा। Next point दिया हुआ, so now country can import into its country Britain, so they found their market. यानी कि अब जो कंट्रीज हैं उसको अपने जो मार्केट है वो मिल चुकी थी, यानी कि अब उसको कोई भी डर नहीं था कि बाहर से किसी भी तरह का जो है गुड्स आ सकता है, क्योंकि उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को रेज कर दिया था। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, दे आल्सो फोर्स कॉलोनीज टू बाय देयर प्रोडक्ट बट इंडिया रेजिस्टेड एंड नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कि जो ब्रिटेन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कॉलोनीज में भी फोर्स किया, उन पे दबाव डाला कि जो कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं ठीक है उसको उनको खरीदना पड़ेगा, लेकिन इंडिया ने रेजिस्ट किया, मना किया, और इसी वजह से जितने भी नेशनल मूवमेंट्स थे वो स्टार्टेड हो गए। अब बात आती है व्हाट हैपेंड टू वीवर्स, यानी कि यहाँ के वीवर्स पर क्या असर पड़ा, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहते थे वीवर्स पर, यानी कि वीवर्स होते हैं जो बुनकर होते हैं, तो उनपे डायरेक्ट कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या किया ब्रिटिशर्स ने। तो देखते हैं इसमें वीवर्स की लाइफ कैसी रही। आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर, दे ट्राई टू एलिमिनेट एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स एंड एस्टैब्लिश मोर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर वीवर्स,
यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पावर में आई, अपनी पॉलिटिकल पावर में आई, तो उन्होंने क्या चाहा कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं या फिर जो ब्रोकर्स, जो बिचौलिया हैं, उनको हटाना चाहा और अपना जो डायरेक्ट कंट्रोल है वीवर्स के साथ वो करना चाहा। इट अपॉइंटेड अ पेड सर्वर कॉल्ड गोमास्था टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लोथ। इसलिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने एक पेड सर्वर को जो है अपॉइंट कर लिया, जिसको गोमास्था बोला जाता है। तो गोमास्ता क्या करते थे, ये सुपरवाइज करते थे वीवर्स को, सप्लाईज कलेक्ट करते थे, यानी कि जितना भी उनको प्रोडक्शन मिल रहा है, जितना भी ऑर्डर मिल रहा है कि उनको वो सप्लाई टाइम पे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, या और इनका एक ये भी काम होता था कि वो एग्जामिन करे कि किस तरह की जो क्वालिटी है वो क्लोथ, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक ये भी टेक्निक थी जो गोमास्ता इन लोगों ने अपॉइंट किए थे, तो ये क्या करते थे, बड़े बड़े ऑर्डर देते थे वीवर्स को। तो वीवर्स जो थे वो इतने अमीर नहीं थे, वो उनके पास ज्यादा पैसा नहीं हुआ करता था कि वो इतने बड़े ऑर्डर को जो है कंप्लीट कर सके, इसलिए उनको पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो जो पैसे हैं वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है प्रोवाइड करवाती थी लोन्स के फॉर्म में। द नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही दिया हुआ है, लोन्स वर प्रोवाइडेड टू परचेज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन, यानी कि लोन्स भी प्रोवाइड करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी थ्रू गोमास्ता, ताकि वो जो रॉ मटेरियल है वो परचेज कर सके। कौन? वीवर्स। In weaving village, there was clash between weavers and Gumastha because of following reason. लेकिन जो weaving village थे, यानी कि जो बुनकरों का जो गांव होता था, उसमें clash हो जाता था, यानी कि जो opinions थे, वो match नहीं होते थे। किन किन के बीच में? Weavers के बीच में और Gumastha के बीच में। उसके भी कुछ reasons दिए हुए हैं। First है, Gumastha were outsiders, so no social contact with village. यानी कि Gumastha जो था, वो outsider था, और उनका social कोई भी contact नहीं था। तो इस वजह से वीवर्स और गोमास्ता के ओपिनियंस कभी भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं हुए। नेक्स्ट दिया हुआ है, कंपनी गेव मिजरेबल लो प्राइस टू वीवर्स, यानी कि वीवर्स जितना भी प्रोडक्शन करते थे तो कंपनी उसको, वीवर्स को बहुत ज्यादा कम प्राइस प्रोवाइड कराती थी। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, गोमास्ता पनिश वीवर्स व्हेन डिलेड इन सप्लाई ओवर टाइम, वीवर्स रिफ्यूज टू टेक लोन्स, क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप्स। यानी कि अगर वीवर्स अपना जो ऑर्डर है, जो प्रोडक्शन उन्हें करना है, वो उन्होंने टाइम पे नहीं किया, उसमें उन्होंने डिले कर दिया किसी भी रीजन की वजह से, तो जो गोमास्ता होते थे वो उन्हें पनिश करते थे। किनको? वीवर्स को। लेकिन एक टाइम के बाद वीवर्स ने लोन लेना रिफ्यूज कर दिया और अपनी वर्कशॉप्स को भी जो है क्लोज कर दिया। तो ऐसी लाइफ होती थी वीवर्स की। नेक्स्ट है, कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं कि फैक्ट्रीज कैसे कैसे आई। तो जो फर्स्ट फैक्ट्री, फर्स्ट कॉटन मिल जो है बॉम्बे में, वो लगी थी 1854 में। जूट मिल जो थी वो बंगाल में आई और उन्होंने वो सेटअप हुई थी 1855 में। 1874 तक फर्स्ट स्पिनिंग और वीविंग मशीन आ चुकी थी मद्रास में, जिसने अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है, द अर्ली एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि ऐसे पहले कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स रहे, कौन कौन से ऐसे बिजनेसमैन रहे जिन्होंने इंडस्ट्रीज को सेटअप किया। तो इसमें देखेंगे, बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर जी ने चाइना के साथ ट्रेड किया। बॉम्बे में पारसीज जैसे कि दिनशो पैटेट और जमशेद जी टाटा ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई इंडिया में। लास्ट पॉइंट दिया हुआ है, आफ्टर कॉलोनियल पावर केम इनटू पावर, इंडियन बिजनेसमैन वर बार्ड From trade with Europe in manufacturing goods, यानी कि जब colonial power, East India जो कंपनी है वो अपनी पावर में आई, पॉलिटिकल पावर में आई, तो उन्होंने इंडियन बिजनेसमैन को, जो हमारे इंडियन व्यापारी थे, उनको जो व्यापार है उससे बाहर कर दिया, उससे निकाल दिया कि अब जो है वो व्यापार नहीं कर सकते मैन्युफैक्चर गुड्स में। नेक्स्ट यह हुआ है, वेयर डिड द वर्कर्स कम फ्रॉम, यानी कि जो इंडस्ट्रीज है वो तो सेटअप हो रही है, लेकिन जो वर्कर्स है वो कहाँ से आ रहे थे। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजंस वर्कर केम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट अराउंड, पीजेंट्स और आर्टिसंस हु फाउंड नो वर्क इन द विलेज वेंट टू द इंडस्ट्रियल सेंटर्स इन सर्च ऑफ वर्क। यानी कि जो इंडस्ट्रीज में लोग आ रहे थे, ये आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आ रहे थे, साथ ही साथ इसमें जो पीजेंट्स और जो आर्टिसंस थे, उनको जब गांव में कोई भी काम नहीं मिल रहा था, तो वो काम की तलाश में इंडस्ट्रियल एरिया में आने लगे। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि रोजगार जो है वो मिल रहा है, ऐसी खबर जब फैलने लगी, तो जो वर्कर्स थे वो बहुत दूर तक ट्रेवल करने लगे कि उन्हें क्या पता कोई ना कोई काम मिल ही जाए।
लेकिन जॉब लेना इतना भी आसान नहीं था, नौकरी पाना कोई आसान काम नहीं था उस टाइम पर भी। गेटिंग अ जॉब वॉज अ डिफिकल्ट टास्क एज एंट्री इन टू मिल्स वॉज रिस्ट्रिक्टेड इन टू मिल्स। लेकिन में ये दिया हुआ है जो जॉब पाना वो इजी वर्क नहीं था, इजी टास्क नहीं था, क्योंकि जो एंट्री थी यानी कि मिल्स में जाना बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। इंडस्ट्रियल अपॉइंटेड जॉबर टू रिक्रूट एम्प्लॉय, इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने जॉबर को अपॉइंट कर दिया। जॉबर का काम क्या था कि वो ये देखता था कि कौन बंदा यानी कि कौन सा इंडिविजुअल परफेक्ट है जॉब के लिए, चाहे वो स्किल लेबर चाहिए हो या फिर अनस्किल लेबर चाहिए हो। नेक्स्ट यह हुआ है द पेक्युलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, यानी कि कौन कौन सी ऐसी खासियत थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इंडिया में। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे यूरोपियन मैनेजिंग इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश टी एंड कॉफी प्लांटेशन एक्वायरिंग लैंड एट चीप रेट्स फ्रॉम कॉलोनियल गवर्नमेंट। जो यूरोपियन मैनेजिंग इंडस्ट्रीज थी उन्होंने टी और कॉफी के जो प्लांटेशन है उसको एक्वायर कर लिए थे, क्योंकि इसके उनको चीप रेट्स मिल रहे थे, यानी चीप रेट्स उनको देने पड़ रहे थे कॉलोनियल गवर्नमेंट को। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ 12th सेंचुरी स्वदेशी मूवमेंट प्रमोटेड इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी कि 12th सेंचुरी तक जो स्वदेशी मूवमेंट से इंडिया में वो स्टार्ट हो चुके थे। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में हम पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, यानी कि अपने देश से प्रेम करना और अपने देश में बनी हुई सारी वस्तुओं को जितने भी गुड्स हैं सिर्फ उन्हीं को यूटिलाइज करना और फॉरेन गुड्स का जो है हमें क्या करना है, त्याग करना है, बहिष्कार करना है। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश मिल वॉज बिजी विद वॉर प्रोडक्शन टू मीट द नीड ऑफ आर्मी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हो रहा था तो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो मिल थी वो बिजी हो गई थी, यानी कि किस में बिजी हो गई थी, जितना भी वार प्रोडक्शन में जितनी भी उसमें नीड्स हो रही थी उसको फुलफिल करने में बिजी हो गई थी। तो ये एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हमारे जो इंडियन मिल्स थे वो इंडिया के जो मार्केट है उसको कैप्चर कर सके और जो इंडिया का जितना भी इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके इंडिया के। After the war, Manchester could never recapture its old position in the Indian market. और वॉर के बाद यानी कि युद्ध के बाद जो मैनचेस्टर था वो कभी भी इंडिया की जो मार्केट है उसको रिकैप्चर नहीं कर पाया, यानी कि उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया। लास्ट में हम इस चैप्टर में ये पढ़ रहे हैं मार्केट फॉर गुड्स, यानी कि जो आपकी जो आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ऐसे कौन कौन से स्ट्रेटेजीज अपनाए कि वो जो गुड्स जितना भी प्रोड्यूस कर रहे थे उसको इंडियन मार्केट में जो है सेल आउट कर सके। तो पहला दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट, यानी कि जितनी भी एडवर्टीजमेंट हो रही थी वो इसलिए हो रही थी ताकि, क्योंकि कई बार ये होता है कि एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं तो हमें तब पता लग पाता है कि इसकी कौन कौन सी ऐसी खासियत है जो जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं, हमें उसके नीड के बारे में पता लग पाता है कि हाँ इसकी ये नीड हो सकती है तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो एडवर्टीजमेंट का भी बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे थे। नेक्स्ट दिया हुआ है लेबलिंग, लेबलिंग में क्या आता है कि उस गुड में कौन कौन सी चीजें मिली है, यानी कि उसमें प्राइस क्या है उसका या इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज हुए हैं। लास्ट है कैलेंडर्स, यानी कि पहले के टाइम में भी जो लोग थे अपनी दीवारों को कैलेंडर्स के लिए यूज करते थे, यानी कि कैलेंडर से सजाते थे। और हमारे देश में एक ये भी चीज है कि हम जो इंडियंस हैं वो बहुत ज्यादा धार्मिक है, यानी कि अगर हमें किसी भी चीज को रिलेट करना है और अगर हम उसे धर्म से रिलेट कर देते हैं, किसी भी रिलीजन से रिलेट कर देते हैं तो हम उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। तो ब्रिटिशर्स इसके लिए भी ये वाली स्ट्रेटेजी भी बहुत ज्यादा अपनाते थे, आप इन पिक्चर्स के थ्रू ये देख सकते हैं। तो यही था आज का हमारा चैप्टर। सो इफ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल and press the bell icon so that you will get all the notifications of my latest videos. Thank you.